आज आयुष्मान भारत योजना के आपको आगे बढ़ाते हुए शुरू किया है। उन्होंने दिल्ली और बंगाल के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि वो योजना लागू नहीं हो पाई है, इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। उन्होंने कहा है कि स्वार्थ की राजनीति के चलते ये हो रहा है। पहली बात, आयुष्मान भारत योजना का सच जान लीजिए। आपके घर में फ्रिज है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास बाइक है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आमदनी 10,000 रुपये प्रति माह है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, जहाँ की अगर हमने गलती से भी आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी, एक भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक सिंगल व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना की शर्तें हैं वो तो इतनी कठिन शर्तें हैं कि किसी को लाभ मिल ही नहीं सकता। और आयुष्मान भारत का सच आपने देखा नहीं हरियाणा में क्या हुआ? मां एक जगह भर्ती है, डिलीवरी दूसरी जगह हो रही है। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा फ्रॉड सरकारों ने किया है, अगर उसकी जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा दिखाने की हैसियत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। पूरे देश के अंदर इतना घपला और घोटाला आयुष्मान भारत में हुआ है, बीजेपी की सरकारों ने किया है, उसके आंकड़े निकाल के देखिए। हरियाणा निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश निकाल लीजिए, निकाल के देखिए आप। तो इसलिए आलोचना करने के लिए आप कर सकते हैं। केजरीवाल जी की योजना के बारे में पता है, दिल्ली के अंदर अगर सरकारी अस्पतालों में एक महीने से ज्यादा आपको डेट मिल जाए तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लीजिए, खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में योजना लागू की फरिश्ते स्कीम, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागो मत, उसको उठाइए अस्पताल तक पहुंचाइए, 2000 रुपए पहुंचाने का भी मिलेगा, और अगर उसके इलाज में 50 लाख भी खर्च होता है तो दिल्ली की सरकार देती है, आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। तो हमने हेल्थ सिस्टम को जितना बेहतर किया है दिल्ली में, उसकी तारीफ तो कोफी अन्नान जी ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल की चर्चा हो चुकी है। दुनिया के तमाम देश इस मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, और आप ड्रामा कर रहे हैं कि अरे हम माफी चाहते हैं, हम दिल्ली में आयुष्मान नहीं लागू कर पाए। अरे अपनी आयुष्मान की सच्चाई तो जानिए आप। 22 अगस्त 2024 को एयर इंडिया का जहाज उड़ाने की धमकी दी गई, 1 सितंबर 2024 को इंडिगो का जहाज जबलपुर से हैदराबाद जाने वाला, उसको उड़ाने की धमकी दी गई, 4 सितंबर 2024 को एयर इंडिया का जहाज दिल्ली से विशाखापट्टनम, उसको उड़ाने की धमकी दी गई, 6 सितंबर 2024 को विस्तारा एयरलाइंस का हवाई जहाज, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई, 15 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट को, एयर इंडिया के जहाज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, 17 अक्टूबर 2024 को एयर आकाशा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, इन जहाजों को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, 21 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो की जहाज उड़ाने की धमकी दी गई। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर को एयर इंडिया का जहाज उड़ाने की धमकी दी गई, और 27 अक्टूबर को 50 जहाज उड़ाने की धमकी दी गई, 50 फ्लाइट्स
एक साथ 50 जहाजों को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? दिल्ली से इस्तांबुल, जद्दा से मुंबई, गोवा से अहमदाबाद, बेंगलुरु से झारसुगुड़ा, अमृतसर से अहमदाबाद, कोलकाता से पुणे, हैदराबाद से बागडोगरा, दिल्ली से बेंगलुरु, ये तमाम फ्लाइट्स हैं, आकाशायर, विस्तारा, इन सब को उड़ाने की धमकी दी गई ये 27 अक्टूबर को। और फिर 28 अक्टूबर को इंडिगो की, एयर इंडिया की, विस्तारा की 60 जहाजों को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई।